दिल मचल मचल के कह रहा है आए किंकर, तुझे कसम है आए किंकर, तुझे कसम है अपने घर से निकल। जो हमारा कंफर्ट जोन है बेसिकली, जो हमारी कीमती घर है, वो एक तरह से सहूलत तो है, लेकिन वो सहूलत के साथ साथ पिंजरे भी है जिसको हमने खुद बनाया है। हमने अपने लिए आराम के जो केज हैं, जो पिंजरे हैं, वो हमने बनाया है। हम बहुत कम घरों से निकलते हैं, गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाते हैं, ऑफिस से वापस आ जाते हैं। नॉर्मल रूटीन में जो एक हमारा चलना फिरना था वो बहुत कम हो गया है, तो अपने उस केज से निकलना होगा भैया। तकरीबन सुबह 8 बजने वाले हैं, अक्टूबर का महीना है, इस्लामाबाद ट्रेल 3 पर हूँ, हाइकिंग करना है, उसके बाद हाइकिंग करते करते मुनाल तक जाना है, वहाँ पे एक अच्छा सा ब्रेकफास्ट करना है। दरख्तों पर मुख्तलिफ जगहों पर अल्लाह के नाम लिखे हुए हैं, अभी तक हिम्मत है, काफ़ी हिम्मत है और रास्ता भी अच्छा खासा है। ये ट्रैक संभाला गया है, साफ रखा गया है, लेकिन उतना ज़्यादा रश नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ये कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर ही है, इतना करीब है, लोगों के घरों के दरवाजे पर हाइकिंग है। अदरवाइज़ हाइकिंग के लिए तो लोगों को कहीं जाना पड़ता है, लोग जाते हैं। आजकल दुनिया में फिर से अच्छा खासा ट्रेंड आया है हाइकिंग का। नेचर से दूरी ने हमें मेंटली तौर पर भी डिस्टर्ब किया है, एज ए ह्यूमन हमें फिर से नेचर के करीब होना पड़ेगा, और एटलीस्ट महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार टाइम निकाल के हाइकिंग पे जाए। ये आरामगाह है जो पहला आरामगाह है, जो लोग नहीं कर पाते, थके हुए होते हैं, तो वो आते हैं यहाँ पे आराम करते हैं। मुख्तलिफ डस्टबिन्स बने हुए हैं, डस्टबिन ज़्यादा इसलिए बने हुए हैं ताकि आप गंद बाहर ना फेंके, जंगल में ना फेंके, जो वाइल्ड लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एक रूम बनाया गया है यहाँ पे, रूम के सराउंडिंग में चलते हैं। यहाँ पे लोगों ने अपने अंदर के जो थॉट्स है वो लोगों ने यहाँ पे उतार दिए। जो लोग जहाँ से आए, मुल्क के जिस कोने से आए, उन्होंने अपने अपने छाप यहाँ पे छोड़ दिए। हमारी आदत है वैसे अपनी छाप छोड़ जाते हैं, चाहे टॉयलेट में हो, चाहे कहीं भी हो, अपना अंदर हम किसी न किसी तरह बाहर निकालते हैं। वो पीछे इस्लामाबाद है, आप मरगरा हिल के इस ट्रैक पे चढ़ते जाएंगे, बल्क आते रास्ते आते जाएंगे, और आपने चलना है इस जंगल में, इस नेचर को महसूस करना है। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। पानी कैसे दे रहे हैं दोस्त? पानी से याद आया एक पुरानी कहानी है। दो दोस्त थे, कहीं जा रहे थे घोड़ों पे, और एक पॉइंट पे दोनों का रास्ता अलग हुआ। एक जो है ना मगरिब की तरफ रवाना हो गया, दूसरा मशरिक की तरफ रवाना हो गया। तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को कहा कि यार जाते जाते रास्ते में मेरा घर आएगा, अगर तुम्हें प्यास लगी हो, तुम थके हुए हो, तो वहाँ जाके मेरे घर से पानी पी के जाना, खाना वगैरह खा के निकल जाना आगे। दूसरे ने कहा रास्ते में मेरा भी घर आएगा, तुम भी रास्ते में अगर थक गए हो तो पानी पीते हुए निकलना और खाना खाते हुए निकलना। तो दोनों अपने अपने रास्तों पे रवाना हो गए। चलते चलते जो पहला बंदा है वो उस दोस्त के घर पे गया, वहाँ उसकी फैमिली ने, उसके घर वालों ने उसे वेलकम किया, उनके लिए पानी लाया गया, और जो पानी का बर्तन था उसमें उस खातून ने तिनके रखे हुए थे, तिनके उसने फेंके थे उस पानी के बर्तन में। उसने सोचा यार ये क्या बात हुई, इसमें जो है ना इसने मुझे ये पानी देना नहीं चाह रही थी, क्या वजह क्या थी कि पानी के बर्तन में तिनके फेंके। जो दूसरा दोस्त था वो भी अपने दोस्त से घर पे चला गया,
लेकिन वहाँ उसको जो पानी दिया गया उस पानी बहुत साफ़ था, शफाफ था, एक बर्तन में उसको ठंडा पानी दिया गया और वो पानी पी गया और काफ़ी थका हुआ था, प्यास लगी थी उसको, पानी पीने के बाद खाना खाने के बाद आगे निकल गया। ठीक तकरीबन एक साल बाद ये लोग अपने अपने सफ़र से वापस हो गए। जब वापस ये दोनों मिले तो इन्होंने एक दूसरे की हाल अहवाल पूछी। दूसरे दोस्त ने पहले दोस्त से पूछा कि हाल दो भाई, क्या हुआ था। कहते हैं बाकी सब सेट था, लेकिन मैं तुम्हारे घर गया, तुम्हारी बीवी बच्चे सब सेट थे, खैरियत से थे, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। मुझे जिस बर्तन में पानी दिया गया उस बर्तन के अंदर छोटे छोटे तिनके थे, सो मुझे समझ नहीं आई ये बात। और मैंने पानी पी लिया, उसके बाद रवाना हुआ और तुम्हारा सलाम भी दिया उनको, तुम्हारी खैर खबर भी उनको दी। तुम बताओ तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। दूसरे दोस्त ने कहा कि मेरा सफ़र बहुत अच्छा रहा, मैं भी तुम्हारे घर गया और वहाँ उन्होंने मुझे पानी पिलाया, और लेकिन मुझे साफ़ पानी पिलाया गया और बहुत ठंडा पानी था, मैंने पी लिया और मैं भी आगे निकल गया। तो उस दोस्त ने कहा कि तुमने जो तिनके वाले पानी पिए उसके बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा कुछ नहीं, मुझे पानी दिया गया और मैंने पानी पी लिया, रवाना हुआ। पहले दोस्त ने कहा कि मेरे घर में से तुम्हें पानी दिया गया तो तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने कहा पानी साफ़ था, ठंडा था और मैं थका हुआ था, प्यास लगी थी, काफ़ी मुसाफत के बाद मैं वहाँ पहुँचा था। जब मैंने पी लिया, एक ही गुंड में सारा पानी पी लिया, उस वक्त मुझे पता नहीं चला। उसके बाद जब मैं रवाना हुआ तो मैं बीमार हो गया और काफ़ी देर तक मैं बीमार हुआ, रास्ते में मुझे रुकना पड़ा। तो पहले दोस्त ने कहा देखो, जब कोई बड़े सफ़र में होता है और थका हुआ होता है उसको पानी रुक रुक कर पीना चाहिए, और पानी रुक रुक कर पीने से पानी का रिएक्शन नहीं होता, उसका जो बॉडी है वो रिएक्ट नहीं करता। मेरे घर वालों ने जो तुम्हें थिंके डाल के पानी दिए थे उनका मकसद ये था, मेरी बेगम ने तुम्हें देखा था कि तुम थके हुए हो, तुम्हें प्यास लगी है, तुम्हें तो पता नहीं चलेगा, तुम ये पानी एक घूंट में पियोगे, एक घूंट में पीने के बाद तुम्हारा नुकसान होगा। तो उसने तुमसे कुछ नहीं कहा मुरवतन, तुम्हें तिनके डालकर पानी दिया उसने। तो जो पानी तुम्हें तिनके डालकर दिया तो डेफिनेटली एक नेचुरल सी बात थी कि तुमने तिनके पूंक पूंक मारकर हटा हटा कर एक एक घूंट लेकर पानी पीना होगा, और तुमने वही किया और तुम सेट रहे। और मेरे साथ जैसा ऐसा नहीं हुआ तो मैं बीमार हुआ। तो ये जो विजडम है, ये जो पुराने ज़माने के लोग सदियों से सीना दर सीना ये वाला जो विजडम है अपने साथ लेके चलते हैं, तो ये विजडम है, पानी से याद आया था। अभी तक अच्छा खासा रास्ता है, अभी बिल्कुल पहाड़ की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर चढ़ रहा हूँ, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं पसीने भी आ रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। पसीने ना आए तो मज़ा कैसा। पसीने से याद आया, हम पसीने से अक्सर उकता जाते हैं, हमें कोफ्त होती है, बेचैनी होती है, टेंशन में होते हैं कि यार पसीने क्यों आ रहे हैं, जबकि पसीने आते उस वक्त है जब आपके बॉडी को पसीने की ज़रूरत होती है, जब आपकी जो बॉडी है वो हीटअप करना शुरू कर देती है, आपको बाहर से ठंडक की ज़रूरत होती है, तो पसीना आता है और पसीना आपके बाहर को ठंडा कर देता है। तो ये बातों में मैं तीसरे पॉइंट पे पहुंच गया हूँ, और यहाँ पे एक मस्जिद है, जिसने नमाज़ पढ़नी हो तो उनके लिए ये मस्जिद है, आते हैं नमाज़ पढ़ते हैं फिर अपनी हाइकिंग जारी रखते हैं। अब यहाँ के लोगों को भी नहीं पता, आप तो दो तीन महीने में आके इधर पहुँच गए। जी जी, लोग जो है ना 40-40 साल से इधर हैं और वो नहीं आते। हाँ सर, आप पार्क्स में जाएं, अगर सुबह मॉर्निंग टाइम में आप जाएं बहुत कम आपको लोग मिलेंगे, हॉस्पिटल्स में ज़्यादा लोग आपको मिलेंगे। आप तो बड़ा अच्छा पॉइंट बताया, आप शिफा में अभी जाएं आजकल। हाँ गए, हमें पता नहीं आपके, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये अनारकली है, इतना रश, लोग टकरा रहे हैं। तो एग्जैक्टली ये हो गया कि हमने ये चीज़ें छोड़ दी। जी जी,
तो बीमारियों ने हमें घेर लिया, घेर लिया है और उन्हीं बीमारियों के लिए कमाते हैं, उन्हें वो कमा रहे हैं और अस्पतालों में दे रहे हैं। हाँ। आपका नाम क्या सर? मैं इफ्तिखार हूँ जी, आर्किटेक्ट हूँ मैं। अच्छा अच्छा माशाल्लाह। अब चीफ आर्किटेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग से। माशाल्लाह। अभी रिटायर हुआ और नाउ आई हैव माय ओन प्रैक्टिस। आप वैसे कब से आ रहे हैं यहाँ पे? मैं तो काफी अरसे से 90 से एंड ओके 7 एक आध दिन स्विमिंग करता हूँ। हाँ हाँ। एक दो दिन तीन दिन इधर आता हूँ। ओके। एक दो दिन योगा, यानी आई मिक्स देम। जबरदस्त जबरदस्त बेहतरीन। अब साइकिलिंग ऐड करनी है, वो मैंने पढ़ा है कि साइकिलिंग भी बड़ी जरूरी है। इतना पोल्यूशन फ्री जगह है, बहुत यहाँ से लेके चाइना तक कोई इंडस्ट्री नहीं है। अच्छा। मतलब यहाँ से आगे मरी, आगे गिलगित, ये हिमालयंस है ना? हिमालयंस है ना। ओके। तो दिस ऑल वो है ना, नेचुरल। हाँ हाँ। रिजर्व है। आप जितना भी स्ट्रेस में हो जी जी, आप यहाँ आ जाएं। हाँ। नेचर ऐसे आपको हील करती है। आपने सुना है आप पीछे परिंदों की आवाजें हैं? यस। आप फ्रेश एयर और सुकून देखे ना यहाँ, कितना सुकून है। हाँ, हाँ। और धूप सर, अब मैं आई थिंक जो सबसे ऊंचाई वाला उसका यही है ना? हाँ, पार्ट ये। अच्छा जी, यहाँ से ना एक बड़ा पत्थर के अंदर से आप गुजरते हैं। ये पत्थर के बीच में से जाना पड़ेगा। इफ्तिखार भाई जा रहे हैं टाइट सर। जी हाथ पकड़ूं या? नहीं नहीं, मैं आऊँगा सर इंशाल्लाह। यहाँ आके एक पत्थर के बीच में से निकलना पड़ता है। ज़रा तंग सा है रास्ता, लेकिन मुश्किल नहीं है। मुश्किल नहीं है, मगर वैसे ज़रा टाइट है। बस एक थोड़ा सा वो एक पहली बार फील होता है, अदरवाइज। हाँ हाँ। जिन कैरियन जो होते हैं ना जी जी, उसको होमोग्लोबिन कहते हैं या क्या कहते हैं, वो ज़्यादा हो जाते हैं। ओके। कहते हैं वो बसें होती हैं, बसें जैसे पैसेंजर ले जाती हैं। हाँ हाँ। वो बसें होती हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर एक्सरसाइज करने से कंटिन्यूअसली। ओके। ऑक्सीजन लेके जाती हैं। यस यस यस। तो वो आपके अगर 5 बसें हैं, ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगी ना, आप थक जाएंगे। हाँ हाँ। सांस चढ़ जाएगा। हाँ हाँ। जब आप आते रहते हैं ना ऐसी टफ जगह, तो आपकी वो बसें बढ़ जाती है। तो आपकी अगर 100 बसें हो गई। हाँ, वो तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन है, थकते ही नहीं है। मैं हैरान था कि यार मेरे से आधा किलोमीटर नहीं भागा जाता, तो मैं आप 10 किलोमीटर भाग लेता हूँ, ये क्या हुआ? मैं तो वही हूँ। तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है उन्होंने सर। हाँ। अच्छा, यहाँ आपको बड़े सीनियर लोग मिलेंगे। एक नेवी के एक अफसर हैं जी जी, बड़े सीनियर हैं जी जी, रेगुलर आते हैं। अब आप 60 होंगे। ओके। एक 70s में हैं साहब, वो 40 साल से यहाँ आ रहे हैं। ओके। ओल्डेस्ट हैं यहाँ। ओके। सेवेंटी से आ रहे हैं, मैंने तो 90s में शुरू किया जी जी, वो 70 से आ रहे हैं, तब से अब तक आ रहे हैं। और उनकी स्टोरी देखने वाली है कि उन्हें कैंसर हुआ, हार्ट के मसले हुए, ओह, और वो सारों से सरवाइव कर रहे हैं और अभी भी आते हैं। कैंसर से सरवाइव किया, हार्ट के इशू से, हार्ट से सरवाइव किया, और वो कहते हैं कि इसमें मेरा सारे का, इसमें इस पहाड़ का। हाँ हाँ हाँ, क्या बात, मैं उसका बहुत रोल है। कहते हैं मैं इतना फिट था कि शौकत खाना में जिस दिन मुझे ऑपरेशन था जी जी, उस दिन मैं सुबह कोई पता नहीं 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जॉगिंग की। ओके। तो जाहिर है जब बॉडी इतनी फिट हो, बॉडी फिट हो तो वो तभी तो भी अच्छा करती है ना। हाँ हाँ सर, मैं 40 के करीब के जो लोगों को देखता हूँ कभी कभी, मैं मुझे हैरानगी होती है। कम्फर्ट जोन में इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि वो थोड़ा सा थोड़ी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, वो एक एक फ्लोर सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकते, हांफते हैं। बेसिकली वही बात है ना, हमने अपना जो अल्लाह ने हमें नेचुरल डिज़ाइन किया था, ये अल्लाह ने हमें टांगे क्यों दी? हाँ। गाड़ी मोटरसाइकिल साइकिल, चलो साइकिल तो एक साइज है, मगर गाड़ी मोटरसाइकिल में होता है। हाँ हाँ हाँ। टांगे इस्तेमाल ही नहीं कर रहे, अल्लाह ने क्यों हमें टांगे दी इस्तेमाल करने के लिए? हाँ, तो वो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर जंग लग जाएगा, जंग लग जाएगा दिमाग को। नहीं करेंगे तो जो लोग नहीं पढ़ते या नहीं लिखते या नहीं, तो उनके दिमाग को सर मशीन ही बन के, जो मशीन है उसको आप इस्तेमाल ना करें, ना चलाएं, तो वो उसको भी जंग लग जाता है। तो ये गाड़ी नहीं खड़ी कर दें आप। हाँ हाँ। तो वो एक साल में खत्म हो जाएगा। हाँ। ये पॉइंट है यहाँ पे जो है ना, लोग आके पीछे इस्लामाबाद को देखते हैं, और फैसल मस्जिद है, इस्लामाबाद है। इस वक्त धुंध है, धुंध की वजह से आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बट यहाँ से जो है ना बहुत अच्छा व्यू है। जो हाइकिंग के शौकीन है वो स्पेशली इस व्यू के लिए भी लोग आते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? सलमान। सलमान बेटा, ये आप खुद बनाते हो जी? अच्छा, ये देखे, ये
जंगली जो पत्ते हैं, जंगली पत्तों से खूबसूरत फूल बनाया सलमान ने, और ये 50 रुपये में सलमान दे रहा है। मिसाल है उन लोगों के लिए जो अपने घर की कफालत भी करते हैं और साथ में पढ़ाई भी करते हैं। ऐसे बच्चे फ्यूचर में बहुत अच्छे मकाम पे होते हैं जो बचपन से ही मेहनत भी करते हैं। पढ़ाई नहीं छोड़नी बेटा, देखिए ये मेहनत अच्छी बात है। ये कुछ नहीं करते, बेटा वक्त निकल जाएगा। जिस तरह आप मेहनत कर रहे हैं, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, ये तो लोगों के लिए आप मिसाल हो। ये इफ्तिखार भाई सलमान को अपना नंबर दे रहे हैं ताकि इनके वालिद से बात करें, ताकि सलमान की जो पढ़ाई है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि ये एक मिसाली बच्चा है। यहाँ पे अपनी मेहनत कर रहे हैं बजाय मांगने के, बजाय हाथ फैलाने के। जंगली कबूतर आ गए ये वाले। अच्छा ये आते हैं जंगली कबूतर? हाँ, यहाँ पे लोग शिकार कर देंगे इसका। अच्छा शिकार करते हैं लोग? हाँ, इसका शिकार यहाँ पे करते हैं। यार देखिए एक यही तो अमन का परिंदा है, इसको भी अमन से नहीं रहने देते लोग। और नीचे मुनाल रेस्टोरेंट है और मैं और इफ्तिखार भाई अभी जा रहे हैं मुनाल रेस्टोरेंट। मैं मुनाल पहले भी आता रहा हूँ, लेकिन पहले मैं गाड़ी में आता रहा हूँ। फ़र्स्ट टाइम हाइकिंग करके ट्रैल 3 से होते हुए मैं मुनाल आया हूँ, और यहाँ पे ब्रेकफास्ट करना है।